हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चना दाल में तड़का लगाने की रेसिपी। तो आज हम करेंगे चना दाल को फ्राई। सबसे पहले फ्रेंड हम दाल को उबालेंगे, तो आप दाल को धुल करके कुकर में रख लें। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के आप इसमें 4-5 सीटियाँ आने दें, क्योंकि चना दाल को उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप चना दाल को उबाल करके ऐसे तैयार कर लें जैसे मैंने यहाँ पर कर ली है। तो आप ऐसे ही दाल को तैयार कर लें, ज़्यादा उसको घोलें ना। तो कढ़ाई को रखेंगे गर्म होने के लिए, उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा। अच्छे से उसको भुनने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा गोल्डन होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को आप ऐसे बीच से काट के डालें जैसे मैंने काट के डाला है, तो आप मिर्च को बीच से काट के ही डालें उसको। हरी मिर्च को भी हल्का सा गोल्डन होने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज जो हमने काट के रखा है, तो वो इसमें डाल के गोल्डन करेंगे। लगातार हिलाते रहें, प्याज को अच्छे से भुनने दें। तो देखिए प्याज भी हमारा गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1/2 ही चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 1/2 चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अच्छे से सभी मसालों को भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर जो हमने काट के रखा है। टमाटर और प्याज अपनी दाल के हिसाब से आप डालें, जितनी दाल आपने बनाई है उसी हिसाब से तड़का का सामान तैयार करें। उसी हिसाब से अपना प्याज लहसुन मिर्ची को डालें। टमाटर डालने के बाद आपको याद रखना है कि आप नमक डाल दें इसमें। नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। नमक डाल के अच्छे से मिलाएं, टमाटर को गलने दें। टमाटर हमारे हल्के से गल जाएंगे, तब हम इसमें डाल देंगे अपनी उबली हुई दाल। तो आप लगातार हिलाते हुए टमाटर को पका लें। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल भी छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी उबली हुई दाल। तो दाल को आप इसमें डाल के अच्छे से मिलाएं, लगातार हिलाते रहें। दाल को मिला लें अच्छे से मसालों में। 2 मिनट हम इसको गैस पे रखा रहने देंगे। चलाते रहिए दाल को। तो देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी अच्छे से मसालों में मिक्स हो गई है। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है हमारी दाल के ऊपर। तो दाल हमारी बन करके तैयार है। चना दाल को तड़का लगा के हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसको निकाल के रखते हैं बर्तन में। तो ये देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म चना दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप ये चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में टेस्टी भी होती है और साथ में हेल्दी भी होती है, क्योंकि दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया दाल हमारी बनकर के तैयार है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।